है सर, नाथ नगर में। अस्सलाम वालेकुम भाई सर, जान, आपके कोई चौकीदार हैं पासवान जी? उनके बारे में सुना है कि बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, क्या ये बात सही है? सर वो ड्यूटी भी करते हैं, वहाँ बच्चों को भी पढ़ाते हैं सर। वहाँ नाथनगर स्टेशन के बगल में एकदम स्लम एरिया है, कुछ स्लीपर लोग का बस्ती है अनुसूचित जाति का, तो वहाँ बच्चा लोग ऐसे खेलते रहता था, झगड़ा उगड़ा करते रहता था। बीच में एक दिन हम गए थे 7-8 दिन पहले, तो ये लड़का वहीं ड्यूटी करता है वहाँ पर, चूंकि बगल में हाई स्कूल भी है, गर्ल्स हाई स्कूल। तो आप बात करा दीजिएगा, आप सर 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 बस तुरंत बात कराइए। हेलो सर 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 चौकीदार जी बोल रहे हैं? हेलो, जय हिंद सर। चौकीदार जी बोल रहे हैं? जी सर, पासवान जी, क्या नाम है? मेरा सर नाम है सर सचिन पासवान उर्फ सिंघम पासवान सर। अच्छा, जी सचिन पासवान उर्फ सिंघम सिंघम, पासवान जी सर। तो आपका नाम बड़ा जानदार है और काम भी आपका बहुत शानदार है। जी सर, हम सुने कि आप ड्यूटी भी करते जी हैं और सर, जी उसके बाद जी स्लम एरिया के बच्चों को जाकर के आप पढ़ाते भी हैं। जी सर। ये कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ये काम करना चाहिए? सर हम उस जगह सर जो है ना ड्यूटी करते थे, और जो है बच्चे सर जो है ना आके हमको बोला दो चार ठो हाँ कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, हम लोग गरीब हैं, अनाथालय में हम लोग पहले रहते थे, जो वहाँ जो है बड़ा हमें तो वहाँ से निकाल दिया, तो सर हमको पढ़ाइएगा के लिए। हाँ मैं पढ़ाऊंगा। जो हाँ का बच्चे हो? बोला कि सर हम 8 भाई हैं। हाँ तो कहिए ठीक है, तुम जो है 4 अपना है, चाचा का सब मिला का आ, और जो है जुटने लगा सर, 12-13 बच्चा भी है पढ़ता है, सब सब गरीब है तो पढ़ाते हैं जुटने सर। लगा, सबको आप पढ़ाने लगे, जी तो सर बहुत अच्छा है। जी सर उनके कॉपी के लिए, किताब के लिए जी या सर कलम के लिए जो भी पैसा खर्चा होगा वो सब हम देंगे, ठीक है? जी सर आप बच्चों को बताइएगा, जी सब खर्चा जो भी होगा सब देंगे। हम आएंगे तो वहाँ चलेंगे भी, हमको दिखाइएगा ना कहाँ जी जी पढ़ाते हैं। जी सर जी सर जी सर हाँ, तो हम जी सर चलेंगे भी, देखेंगे भी, जी और ये बहुत खुशी की बात है कि अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं और ये सामाजिक काम भी कर रहे हैं। जी सर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है, प्रणाम जी सर है, जी आशीर्वाद भी है, जी सर ठीक है? जी सिंघम जी, जी सर सिंघम पासवान, जी सर सचिन पासवान, जी यही ना? जी सर बहुत बहुत एकदम ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, जी और अपराधी अपराधी के साथ कोई नो नो मिलीभगत सर नो नहीं सर करना है। नो सर ये शराब माफिया, दारू माफिया, क्रिमिनल अपराधी, ये सबको पकड़ना है, समझ गया? ठीक जी जी सर जी सर ठीक ठीक बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी सर। हमारा चौकीदार है सचिन सचिन एक मिनट पासवान, भैया। और इसका नाम है सिंघम भी है वो, तो इसकी ड्यूटी वहाँ पर है क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल है और बगल में नाथनगर स्टेशन और उसी के बगल में एसआर हाई स्कूल भी है, तो वहाँ बच्चों का आना जाना रहता है। और वहाँ पटरी के बगल में थोड़ा सुनसान जगह भी है, और वहीं पर जो है पटरी के किनारे कुछ स्लम बस्ती है जो पटरी के किनारे बना हुआ है, जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो उनके बच्चे जो है वहाँ पर खेलते रहते थे। ड्यूटी के दरमियान में इन्होंने बताया कि सर ये बच्चा जो है झगड़ा उगड़ा करते रहता है, तो मुझे इसके लिए क्या करना हो, तो इसके दिमाग में एक सेटअप आया कि इसको पढ़ाया जाए, तो हम लोग बोले कि इसको पढ़ाओ और इसमें जो अगर कुछ एक्सपीरियंस भी लगेगा कॉपी किताब के तो हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। अभी चूंकि लॉकडाउन के कारण सरकारी स्कूल वगैरह भी बंद है, इसीलिए हमारा जो चौकीदार है सराहनीय काम कर रहा है और वहाँ पर पढ़ा भी रहा है। अभी अभी डीजीपी सर भी बात किए इनसे और वो जो है हर संभव मदद देने का बोले हैं कि आप पढ़ाइए, हम भी आपको हर संभव मदद करेंगे। मेरे बाबूजी भी चौकीदार के पोस्ट पे थे और हम जो पढ़ाई किए इंटर पास पार्ट थर्ड का एग्जाम हम क्लियर नहीं कर सके, बाबूजी डेथ हो गया, जो घर का जो है सब हमारे ऊपर आ गया, हम बड़ा भाई में सबसे हैं, और फिर जो है बाबूजी के जगह पे हम अनुकंपा पे ज्वाइनिंग किए, फिर जब अपना ड्यूटी हम करने लगे, फिर जो है वहाँ मेरा ड्यूटी पड़ा केबिन के पास,
तो उस जगह जो है हम ड्यूटी करते थे, उसी में अनुसूचित जनजाति के कुछ लोग, उस जगह 10-20 घर हैं, जो उसी से 2-3 बच्चा आया कि सर जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल सब बंद है अभी, जो बगल में रेलवे कॉलोनी साहब भी जो गुजरे थे तो साहब भी देखे थे, साहब बोले, साहब को हम बोले कि सर इस जगह जो है ना अनुसूचित जनजाति के बच्चे लोग हैं जो लॉकडाउन में पटरी के उधर दौड़ धूप करते हैं, गाड़ी का आगमन है, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। तो सर मेरा मन है कि हम पढ़े लिखे हैं कि उस सब का बच्चों को हम पढ़ावें, तो सर बोले ठीक है तुम जो है पढ़ाओ। तो सर हम तो पढ़ाने लगे, अभी भी ये डेली जो है उस जगह 7-8 घंटा ड्यूटी है मेरा, 3:30 बजे से 2-2.5 घंटा पढ़ा देते हैं। कितने बच्चे हैं? 13 बच्चा। आपको जितना पढ़ने का मन था आप पढ़ सके? जी नहीं सर, समस्या था मेरे पास में। कितना तक पढ़ना चाह रहे थे? मेरा ख्वाहिश था कि हम ग्रेजुएशन कर लें कम्प्लीट, मतलब मेरी आर्थिक स्थिति डैमेज था और मेरा बीबी भी जो है विकलांग है। बीजेपी सर भी आपसे आप उसके बाद क्या मैंने मन में क्या आया, बच्चों को देखे कि आप नहीं पढ़े तो बच्चों को पढ़ा दे? हम सोचे जो हम नहीं किए, मेरा जो है भावना उस बच्चे के प्रति मेरा जाग गया कि हम जो है सोचते थे खुद हम, मेरा बाप चौकीदार था, मेरा दादा चौकीदार था, तो मैं सोचा था कि मैं पढ़ लिख के मैं अफसर बनूँ, हमसे तो हुआ नहीं, स्थिति जो है घर का उतना ठीक नहीं था, इसलिए बीच में ही पढ़ाई में रोक दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है हमको जो है डीजीपी साहब भी बात किए, तो उसमें भी साहब बोले कि आपसे हम मिलेंगे, बच्चे से मिलेंगे, कहिए ठीक है सर आप आइए, आपसे हम मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, और जो भी दिक्कत होगा किताब कॉपी बोला हम मदद करेंगे स्वयं,